नमस्कार दोस्तों, आपको मेरा YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं निफ्टी फ्यूचर के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं, एंड एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहां पर करना है जहां पर हम लोग मैक्सिमम टाइम फंस जाते हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, इस मार्केट में एक्सपेक्टेशन जैसा रिजल्ट नहीं ला पा रहे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, काफी सारा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है। देखिए, आज को मैं 25 तारीख का निफ्टी फ्यूचर का चार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो आज को मार्केट काफी हद तक साइडवेज गया, तो ट्रेंडी मार्केट में तो कोई भी इंडिकेटर पैसा बना देता है, बट साइडवेज मार्केट में कैसे काम करना है, साइडवेज मार्केट में लॉस को कैसे रोके या रिड्यूस करें। ठीक है, लॉस नहीं होगा ऐसा कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं, आपको फोकस करना है जो आप लॉस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए, निफ्टी आज को मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, जैसे फर्स्ट कैंडल ऑफ टूडे, तो अगले दिन का कॉल एक कंटिन्यू कर रहा है। अब एक एज ए ट्रेडर मुझे क्या सोचना चाहिए, देखिए सोच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट को जो देखने का नजरिया है ये सबका अलग है, और यही एक ट्रेडर को सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है। आज को सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे, ये आपको यहाँ पर ब्रेकडाउन जोन बोल के एक डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है। अगर किसी दिन मार्केट इस लाइन का नीचे ओपन हुआ, तो हम लोग पहले सोचते हैं जो मार्केट में अच्छा खासा रिवर्स बैक करेगा और ये लंबा ऊपर की तरफ भागेगा, तो ये हम लोग का पहला सोच है। बट ये सोच तभी सक्सेस होगा जब ये फर्स्ट कैंडल का हाई का ऊपर मार्केट मूवमेंट करेगा, अदरवाइज नॉट। अब ऐसा भी हो सकता है जो फर्स्ट कैंडल का लो को तोड़े और ये दोबारा डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करे, तो कोई ना कोई एक चीज होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं जो किस हिसाब से होने वाला है मार्केट को। और याद रखिएगा, ये जो फर्स्ट कैंडल है जिसका हाई एंड लो को मैं मार्किंग कर रहा हूं, इसका अंदर आपको कभी भी ट्रेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पर मार्केट टोटली आपको फंसा सकता है। तो देखिए, अल्टीमेट यहां पर काफी देर तक मार्केट साइडवेज चल रहा है, देखते देखते 10:10 हो गया, 1 घंटा निकल गया, अभी भी मार्केट वहां पर घूम रहा है। अब इस जगह पे आके मुझे दिखाई दे रहा है जो ये जो कैंडल है 10:20 का, ये फर्स्ट कैंडल का लो को तोड़ा है, मतलब ये अभी चाहता है मार्केट को दोबारा गिराना और नया लेवल बनाना सेलिंग का तरफ। अब यहां पर एक चीज आपको देखना है, यहां पर नीचे में आपको एक रेड डॉटेड लाइन दिख रहा है, दिस इज द सपोर्ट। अगर अब इस जगह पे आपको पता चल रहा है जो सॉफ्टवेयर ने अल्टीमेट दोबारा मार्केट को गिराना चाहता है मार्केट, तो यहां पर ये जो रेड डॉटेड लाइन है ये कितना नीचे है, ये सपोर्ट लाइन है, मतलब यहां पर ट्रेडर बैठा है आपको रोकने के लिए, बाय करने के लिए। तो अगर अब इस जगह पे आके सेल करने के लिए जा रहे हैं, तो यहां पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि सपोर्ट लाइन अगर ज्यादा नीचे नहीं है ये आपको फंसा सकता है। तो देखिए, सपोर्ट का करीब आके मार्केट काफी देर तक मार्केट को गिराने का कोशिश किया, बट यहां पर मार्केट को फाइनली गिरा नहीं पाया और धीरे धीरे रिवर्स हो गया, ये ब्रिक्स आपका फेवर में, मतलब बाइंग की तरफ चला गया। तो बोलने का मतलब है, देखिए ये 3 कैंडल में ओनली पैसा बनाए, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल। अब एक चीज सोचिए, यहां पर इस कैंडल तो क्लोज होते होते आपको पता चलेगा, अब ये 2 कैंडल में आप कितना पैसा कमाएंगे, ज्यादा नहीं। तो मेरे ख्याल से अगर आपको दिखाई दे रहा है जो ऐसा सिचुएशन है, तो वही आप यहां पर ट्रेड मत कीजिए। कुछ कुछ ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर खुद को कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, धीरे धीरे मार्केट में साइडवेज मूवमेंट हो रहा है, हम लोग वेट कर रहे हैं कोई फ्रेश बाय का कॉल बने तो हम लोग ट्रेड करेंगे। अब जैसे मुझे दिखाई दिया यहाँ पर कोई बाय का कॉल बन चुका है, अब मेरा क्वेश्चन ये है जो क्या ये बाय का कॉल सही है। तो मुझे दिखाई दे रहा है मेरा सारा कंडीशन मेरा फेवर में है, स्टार एक कंडीशन है हम लोग का, नीचे का रिबोन एक कंडीशन है, और ब्रिक्स मेरा फेवर में है। ये 3 चीज को हम लोग देखते हुए बेसिकली ट्रेड करते हैं, तो ये एक फ्रेश कॉल है। बट इस टाइम में मुझे देखना पड़ेगा जो ग्रीन डॉटेड लाइन है ये रेजिस्टेंस है, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या करता है, एक आइडिया दे देता है जो आज को मार्केट में रेंज कितना है, आप किसका अंदर खेल सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर 297 पे बाय कर रहा हूँ और ग्रीन डॉटेड लाइन यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका मतलब है ये 323, मतलब कितना पॉइंट, 20-25 पॉइंट का मूवमेंट दिखा रहा है मार्केट में, उससे ज्यादा नहीं। तो ये 20-25 पॉइंट के लिए ही आपको खेलना है, उससे ज्यादा वेट नहीं कर पाएंगे। अब जैसे दिखाई दिया जो धीरे धीरे मार्केट यहाँ पर नीचे आ गया, यहाँ पर कितना 223 का, 323 का हम लोग सोच रहे थे, बट ये 316 तक हाई मारा था, 23 तक हाई नहीं मारा। अब हम लोग फंसते कहाँ पर है, देखिए अगर आपको पता चल गया जो आपको एग्जिट कब करना है, जैसे ये जो ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स का कलर यहाँ पर ब्लू हुआ और उसके बाद वो रेड होना शुरू कर दिया, तो ये हम लोग का सॉफ्टवेयर का प्लस पॉइंट है। अगर आपको ये प्रॉफिट नहीं भी दे पा रहा है,
तो मिनिमम या कॉस्ट टू कॉस्ट वैल्यू में आपको निकाल दे रहा है। सोचिए आप 297 पे एंट्री ले रहे हैं और यहां पर आपको रेड होते हुए जब दिख रहा है, इस टाइम मार्केट का वैल्यू था 293, तो आपको 3-4 पॉइंट का अंदर ही ये आपको इंडिकेशन दे पा रहा है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो मैं इसका ऊपर ही बार बार फोकस करता हूं, कॉल सही है तो ऑब्वियसली अटेम्प्ट लीजिए और फोकस कीजिए ऑन योर एग्जिट। ऐसा कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जो साइडवेज मार्केट में भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे पा रहा है, बट आपको ऐसा स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली मिल जाएगा जो आपका लॉस को रिड्यूस कर सकता है। तो फोकस ऑन योर लॉस रिड्यूस। ट्रेंडी मार्केट में तो कोई भी इंडिकेटर पैसा बना देगा। अभी जैसे देखिए ये सेल का कॉल बनाया, आप क्वेश्चन ये है जो क्या ये सेल का कॉल सही है। अब वही सेम कंडीशन देखना है, जो नीचे का रिवन अभी भी ग्रीन है और इसका पहले कोई स्टार बना नहीं है, सिर्फ ब्रिक्स वाला इंडिकेटर मेरा फेवर में है, बट 3 में से 2 कंडीशन मैच नहीं है, तो ये सेल का कॉल बेकार हो जाएगा मेरे लिए। अल्टीमेट देखेंगे, कंडीशन बाद में भी मैच हो सकता है, ऐसा नहीं जो नहीं हो सकता, बट अल्टीमेट यहां पर हुआ नहीं और मार्केट रिवर्स होकर दोबारा बाय का कॉल दे दिया। अब ये जो बाय का कॉल बनेगा इसमें क्या कंडीशन रहेगा, सेम वही चीज को देखना है। नीचे का रिबन तो देखिए रेड हुआ ही नहीं था, ग्रीन में ही है, लास्ट मेरा ग्रीन स्टार चल रहा है, मिडिल में कोई रेड स्टार नहीं है, तो दोबारा ग्रीन स्टार देगा नहीं। ब्रिक्स जो नीचे आया था ये दोबारा ब्रेकआउट कर रहे हैं, मतलब ये यहां पर दोबारा बोल रहे हैं आप यहां पर अटेम्प्ट लीजिए, तो आपको अटेम्प्ट लेना है कंडीशन अगर मैच हो रहा है, और वही सेम रेजिस्टेंस को देखना है जो शायद ये इस बार इसको हिट करके जाए, तो इस होप से आपको यहां पर ट्रेड करना पड़ेगा। प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा पहले से बोलना इम्पॉसिबल है, सोच का साथ खेलना है। हाँ अब आपको दिखाई देगा जो दोबारा ये रेड होना शुरू कर दिया है, तो मैं यहां पर भी सोच रहा था जो 323 तक लेके जाएगा, 20-25 पॉइंट कमा लूंगा, बट यहां पर भी देखिए वही 6-7 पॉइंट में जाके ये आपका नेगेटिविटी दे रहा है। तो अगर प्रॉफिट नहीं बना पा रहे तो देखना है जो कितना कम में लॉस खा रहे, वहां पर मैं 3 पॉइंट लॉस में किया, यहां पर 7 पॉइंट लॉस में किया, अगर मैं 10 पॉइंट लॉस खा रहा हूं दिन में तो दिट इज ओके फॉर मी, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं जो चीज बोलना चाहता हूँ होपफुली आप समझ पा रहे हैं, जो हमेशा प्रॉफिट होगा ऐसा नहीं, लॉस वाला सिचुएशन को कैसे बचाया जाए, लॉस वाला सिचुएशन में कैसे कैपिटल को थोड़ा सा कम लॉस के साथ लेके जा सके, इसका ऊपर फोकस कीजिए, ऑटोमेटिकली आप इस मार्केट में अपना प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। फाइनली देखिए ये जो सेल का कॉल बना था यहाँ पर धीरे धीरे मार्केट थोड़ा सा नीचे आया था और यहाँ पर खत्म हो गया, थोड़ा सा सपोर्ट को ब्रेक करके भी मार्केट ने मौका दिया था। तो ये था आज का फुल डे का परफॉर्मेंस, जहाँ पर दिखाई दिया काफी हद तक मार्केट साइडवेज रहा, साइडवेज मार्केट रहेगा तो यहाँ पर आप प्रॉफिट को एक्सपेक्ट नहीं कीजिए तो ही बेटर है, ऑब्वियसली इस टाइप का मार्केट में फोकस कीजिए जो ताकि इस टाइप का मार्केट में आपका ज़्यादा कैपिटल ना लॉस हो। अगर इस टाइप का मार्केट में अगर दिन में आप 10 पॉइंट लॉस खा के बैठे हैं इट्स ओके फॉर यू, अगर आप यहाँ पर 50-60 पॉइंट का लॉस खा के बैठे हैं दिस इज नॉट ओके फॉर यू। तो होपफुली समझ में आया है जो चीज़ बोलना चाहता हूँ, तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज रहा दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, एंड फाइनली एक ही चीज़ बोलूंगा, सही स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा। प्रॉफिट को जैसे इंक्रीज करना है लॉस को डिक्रीज करना है, लॉस नहीं होगा ऐसा कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं। थैंक यू।